गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आप जब सरफेस एरिया पर स्फीयर कर रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। बस उसमें चेंजिंग ये है कि वो सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मीन्स यहाँ पे अर्थ और मून दो लिया गया है, मतलब जो कि स्फेरिकल इन शेप है उनको कंसीडर किया गया है। ओके, तो उनका वॉल्यूम जो निकालना है हमें, उसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है और हमें दिया हुआ क्या है, डायमीटर दिया हुआ। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चंस को। यस, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है। अब देखो जब भी हम में किसी चीज के फॉर्म में दिया हो रहता है तो उसके डायमीटर को हमें एक्स मानना पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ जो है उसे हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम रेडियस लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, ये हो जाएगा x by 2, ओके। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ मून ये हो गया 1/4 ऑफ x, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ मून जो है ये हो जाएगा 1/4, आइए 2 से डिवाइड करेंगे, आइए एक्स, तो ये एक तरह से एक्स बाई 8 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स यहाँ पे देखो किससे किसको कंपेयर करना है, हमें मून से अर्थ के बीच में करना है, ठीक है, नहीं अर्थ टू मून दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम यानी कि हमें क्या लेना है, वॉल्यूम्स ऑफ अर्थ और अकाउंट में वॉल्यूम ऑफ मून। अब देखो अर्थ और मून जो है दोनों ही क्या है, स्फेरिकल शेप है, इसलिए हम यहाँ पे स्फीयर का ही फार्मूला लगाएंगे, तो 4/3 पाई, और अर्थ का जो रेडियस है वो कितना था, एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 का क्यूब, ओके। सिमिलरली मून जो है स्फेरिकल फॉर्म है, तो 4/3 पाई, और इसकी रेडियस कितनी थी, एक्स बाई 8, और इसका क्यूब, ओके। अब देखो ये और ये तो सिंपली हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 8, देखो 2 का क्यूब तो 8 होता है ना, और अकाउंट में एक्स क्यूब बाई 8 का क्यूब 512, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 512 बाई 8 की टेबल में काटो तो 64, तो 64 रेशियो 1 आ गया, कितना आ गया आंसर, 64 रेशियो 1, ये आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमी स्फेरिकल बॉल इन डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यहां पे क्या कह रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल बॉल है, ठीक,
ये हेमिस्फेरिकल बॉल है और इसका जो डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो मिल्क इसमें भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है, इसका अमाउंट चाहिए कि मिल्क कितना है। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमसे पूछा जाता है कि किसी भी कंटेनर में जो कंटेंट है वो कितना है, तो हमें क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन आसान ही है, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो 2/3 πr³, 2/3 22/7 और r की वैल्यू क्या होगी 10.552, क्योंकि यह इसका डायमीटर है और इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये कट गया, 7 से काटोगे तो ये 1.5, अब 3 से काटोगे तो 0.5। ठीक, 11 को 0.5 से किया तो 5.5 और बाकी 10.5 को 10.5 से करेंगे तो ये आ गया 5, 7, 3, 6, 10 और ये 6 डेसिमल पीछे से 3 नंबर के बाद, तो ये आ गया 606.375 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब भी हम कॉन्टेंट का अमाउंट निकालते हैं तो हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर होता है, ये मैंने कल भी आपको समझाया है। तो यानी कि ये 606.375 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.606 और आगे हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये लिख इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया है, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में डालेंगे। थैंक यू बच्चों।